आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऐसा भी पे। आज से हम लोग एक न्यू इनिशिएटिव लेंगे जो पॉलिटी, जो लक्ष्मीकांत का है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी है, अक्सर हर एक एग्जाम में 10, UPSC में 20 से 25 क्वेश्चन और अदर एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज से हम लोग पॉलिटी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो पॉलिटी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। राज व्यवस्था जिसको कहते हैं, हम मैक्सिमम हिंदी लैंग्वेज का ही यूज करेंगे, बट जो लक्ष्मीकांत जो है वो अगर आप इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में लिखा हुआ है कि हमारे देश में राज व्यवस्था जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चला है वो किस तरीके से चला है, कब से स्टार्ट हुआ है, कहाँ कितना बदलाव हुआ है, हमें वहां से पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे तो हमारे देश में राज व्यवस्था काफी सारे बदलाव हुए, कई सारे जो राजा रजवाड़ थे वो कई सारे बदलाव किए, लेकिन हमें पढ़ना है जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो ब्रिटिशर्स का प्रभाव ही हमारे संविधान पे बहुत ज्यादा पड़ा, क्योंकि 1600 में वो आकर करके और 1947 तक यहाँ पर रहना, यानी 300-400 साल का उनका प्रभाव हमारे देश पे पड़ा, जिसके कारण से हम लोगों ने मैक्सिमम चीज ब्रिटिशर्स का ही अडॉप्ट किया, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। तो इसमें जब हम अध्ययन करेंगे तो मैक्सिमम प्रभाव ब्रिटिश का ही होगा, उन्हीं का हर एक चीज यहाँ पे होगा। तो ब्रिटिशर्स जब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में इंडिया में आते हैं तो वहां से नियम कानून बनाना स्टार्ट हो जाता है, रेगुलेशन करना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें वहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो यहां पर है वो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब का है, 1773 का है। ये नाम से ही लग रहा है रेगुलेट करना, क्यों रेगुलेट करना, जब 1756 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपना आधिपत्य भारत पे जमा लिया, भारत के कुछ क्षेत्र पे जमा लिया। जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो भारत में वो सुपीरियर हो गए। अब यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लगातार अपना काम पूरे क्षेत्र में कर रहे थे और धीरे 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 फैलाव उनका पूरे इंडिया में हो रहा था, ठीक है। बट क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वहां पे ऑफिसर्स थे, तो ऑफिसर्स बेटर वे में वर्क नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनको प्रॉफिट नहीं दिख रहा था कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके पीछे कई सारे कमियां थी, कई नियम कानून ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के नहीं बने हुए थे, कैसे हम इस हर चीज को मैनेजमेंट करेंगे वो चीज नहीं था, सब अपने मन से सब करते जा रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको एस्टैब्लिशमेंट होना था, किसी तरह यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाए उसके बाद वो नियम कानून लेकर के आए थे। तो सबसे पहला जो अपने कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट किया वो किससे किया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर में हुआ। इसमें क्या क्या प्रावधान था उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। एक सेकंड डस्टर ले आते हैं, ठीक है, आगे देखते। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था इसमें क्या क्या हुआ वो देखते हैं। पहला चीज क्या हुआ था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ बंगाल अब ना कह कर गए, अब हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहना स्टार्ट कर दिए थे। यानी अगर हम इन सारी चीजों को हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, देखिए ये क्या है, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है इसमें, पहला चीज जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, राज्य में गवर्नर है, उसी तरीके से ब्रिटिश लोगों का जो प्रतिनिधि था, जो रिप्रेजेंटेटिव था भारत में, उन्हें गवर्नर कहा जाता था। तो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट कर रहा था तो तीन मेन क्षेत्र थे, पहला क्षेत्र था आपका बंगाल, दूसरा क्षेत्र था मद्रास और तीसरा क्षेत्र था बंबई।
तीन मेन क्षेत्र थे और जो गवर्नर होते थे वही इन तीनों क्षेत्र में बैठते थे। इनको कहा जाता था गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको कहा जाता था गवर्नर ऑफ बम्बई, इसको कहा जाता था गवर्नर ऑफ मद्रास कहा जाता था। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया तो इन सारे रीजन जो अभी हम लोग देखा, बंगाल का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरा। यहाँ पे कृषि था, यहाँ पे आयरन था, यहाँ पे सूती वस्त्र था, यहाँ पे बाजार था, यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा ग्रो करने लायक का इन्वायरमेंट था, सारा चीज इस बंगाल वाले एरिया में था। और इसी कारण से जो ब्रिटिशर्स का जो मेन केंद्रित रहा वो आपका बंगाल वाला एरिया ही रहा। मैक्सिमम टाइम तक बंगाल, बिहार, यही सब वाले रीजन में रहा, ठीक है, क्योंकि इसका कारण क्या था, इसका पीछे हमने बताया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि बंगाल पे अपने आप को आधिपत्य जमाना चाहा और बंगाल में का जो गवर्नर था उसको, जो बंगाल का गवर्नर था इसको गवर्नर ऑफ बंगाल ना कह करके इन दोनों से सुपीरियर कर दिया। इसको कह दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया, इसको कर दिया सुपीरियर। ये चीज पहला। दूसरा चीज और क्या बदला होगा, इससे क्या बदला होगा, इससे क्या बदला हुआ कि पहले गवर्नर जो था उनके पास अपना मंत्रिमंडल नहीं था, अपना काउंसिल नहीं था। जैसे अभी हमारे मोदी जी हैं तो मोदी जी के आसपास कितने सारे उनके मंत्रिमंडल अपना है तो वो डिस्कशन करते हैं, तो उसी तरीके से गवर्नर जो थे उनका अपना कोई मंत्रिमंडल नहीं था या फिर नहीं था, इसलिए वो सुपीरियर अपने आप में सुपीरियर थे, सारे डिसीजन वही लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति जो होता है वो अगर डिसीजन अगर लेता है तो मनमानी तरीके से लेता है, और अगर तीन चार व्यक्ति रहा और डिस्कशन से लिया जाता है तो एक अच्छा डिसीजन लिया जाता है। तो वही चीज क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो हुआ, इसके साथ चार व्यक्ति और दे दिया गया, है ना, चार पर्सन और दे दिया गया इसमें, इस काउंसिल में आप चार लोगों के साथ मिलकर करके काम कीजिए, ठीक है। और क्या बदलाव किया गया, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया ये दोनों का पावर पूरे तरीके से घट गया, बॉम्बे वाला का और मद्रास वाला का, दोनों का पावर क्या हो गया, घट गया, ठीक है। और क्या बदलाव हुआ, जो भी कंपनी में काम कर रहे लोग थे, जो भी एम्प्लॉय थे, उन्हें नहीं होता एक पार्ट टाइम जॉब, अपने कंपनी में भी काम करना और पार्ट टाइम जॉब दूसरे कंपनी में करना, तो पार्ट टाइम जो जॉब था उसको खत्म कर देगा कि आप मेरे कंपनी के अलावा दूसरे कंपनी में काम नहीं कर सकते। यानी इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि जो हमारे कंपनी में काम करते हैं हमारे कंपनी के लिए ही काम कीजिए, दूसरे कंपनी के लिए आपको काम, दूसरे के लिए आपको काम नहीं करना है ना, क्योंकि इससे लोग, इससे जो पर्सन होता था वो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता था, कंपनी को दूसरा डाटा देता था और वो जो माल होता था वो उसको जाकर के बेच देता था ब्लैकमेल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया कि जो वर्कर होते हैं, वर्कर बाहर में मैंने आउट में काम नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखना। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में तीन चीज हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, जिसके कारण से बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनका पावर पूरी तरीके से घट गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 4% का सहयोग मिला। और थर्ड चीज, जो वर्कर था उनको आप आउट ऑफ, जो दूसरे कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं करना था, खुद की कंपनी में उसको बेटर तरीके से काम करना था। और एक चीज और किया गया कि एक यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, एक यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफिस को बनाया गया, जो क्या करता, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल एक्टिविटीज और जो जो आपके कॉमर्शियल एक्टिविटीज और पॉलिटिकल एक्टिविटीज और कॉमर्शियल एक्टिविटीज को ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो देखता। मतलब ब्रिटिशर्स क्या कर दिया कि इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए वहां से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भेजा और कहा कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में है
वो कैसे व्यापार कर रहा है उसको आपको देखना है, और किस तरीके का पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रहा है पूरे भारत में, क्या नियम कानून कहाँ पे कैसा नियम कानून जरूरी है, कहाँ पे कौन सा हमको नियम नहीं लागू करना, ये सब आपको देखना है। तो कौन देख रहा था? कोटा डायरेक्टर देख रहा था। तो इसके माध्यम से सारा इंफॉर्मेशन कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन जा रहा था। कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन जा रहा था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। अब चलते हैं आगे, इसके बाद क्या स्टेप लिया।